से बोल रही थी, बोलो कंप्लीट करो अपना। तुम बोलो सिद्धिका। मैम मुझे इसके आगे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसके लिए मैं रुक गई। अच्छा, और तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक? मैम जब आप बोले थे ना करने को, मैं उस दिन ही कर रही थी, पर मम्मी को वो कुछ पता नहीं क्या हो गया, फिर मेरा रजिस्ट्रेशन करना ही सब भूल गए। चलो सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करते, फिर आगे की बात करते मैम आपसे। क्या मैं बोल तो सकती हूँ सरस्वती वंदना भी? हाँ बोलो। चलो सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भ करस्यामि, सिद्धेर्भवतु मे सदा, सिद्धेर्भवतु मे सदा, सिद्धेर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय जिनेंद्र। सब बच्चों, सबसे पहले कल हमने कंपटीशन ली, उसमें मुझे बहुत अच्छा भी लगा, थोड़ा बुरा भी लगा। अच्छा उन सब बच्चों के लिए लगा जिन्होंने बहुत अच्छे से कंपटीशन में पार्ट किया, और बुरा उन बच्चों के लिए लगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन करवा के भी हमारी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों? अच्छा आप सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है शिवम भैया? शिवम जी भैया अपनी लिंक यहाँ पे भेजिए ना, सब बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार लिंक भेज दीजिए ना। ऐप की लिंक ना। हाँ अपनी जो रजिस्ट्रेशन के लिंक है ना, हाँ जी, हाँ जी भेज देता हूँ। वो लिंक। और देखो बच्चों, उसमें ना हमने आप सबको पर्यूषण के लिए नियम दिए हुए हैं। पर्यूषण के लिए आपको 10 से 15 10 11 नियम दिए हैं, और वो आप आसानी से पाल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको रात्रि भोजन त्याग बोला है बच्चों। पर्यूषण में एक्चुअली में तुम्हें कभी रात को नहीं खाना चाहिए। आज कंपटीशन नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ ना वो आप लोग सुनो। आप न्यू स्टूडेंट हो स्वरा, ठीक है स्वरा, आप है ना ये 5C लिखा है ना, आपको वो नहीं लिखना है। आपको अभी यहाँ पे शिवम भैया लिंक भेजेंगे, आप सबको उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रोल नंबर मिलेगा, वो रोल नंबर आपको लिखना है, और हम अभी हम आप लोग की एब्सेंट प्रेजेंट भी लेंगे, जिससे हमें पता चले। बच्चों हम आपको नया नया सिखाने की कोशिश करते हैं, इतना टाइम आप अपना देते हो, हम देते, फिर आप कुछ सीखे नहीं तो उसका मतलब क्या है? तो मैं चाहती हूँ कि अब से आपको रोल नंबर मिलेगा, और हम आपका एब्सेंट प्रेजेंट भी लेंगे, अटेंडेंस भी लेंगे, और जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा उसको हम गिफ्ट भी देंगे, ठीक है? सो सबसे पहली बात मेरी है, आप सुन लो, सरस्वती वंदना हो गई है, वहां पे आपको जो नियम दिए वो रात्रि भोजन त्याग का है, और आप सभी लोग बहुत ही होनहार बच्चे हो, मुझे पता है जैन धर्म को मानने वाले हो, तो 10 दिन को आप में से कोई भी रात को, बेस्ट थिंग तो वही है कि आपको पानी भी नहीं लेना है, फिर हम अनाज खा ले, और फिर रात को बोले मम्मी को कि मम्मी हमको मखाने बना दो, सेंग बना दो। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इतना कंट्रोल तो कर ही सकते हो। तो आप सबको रात को भी कुछ नहीं खाना है। आपकी मम्मी को आप पे भरोसा नहीं है, मम्मी को टेंशन है, पर मुझे आप सबके पूरा भरोसा है कि आप जो नियम लेके उसको पालन कर सकोगे। उसके बाद मैंने आपको नियम दिया है, उसके बाद मैंने आपको दूसरा नियम दिया है, आपको पूजा करने का नियम दिया है। कोई पे बच्चे ने हमें बोला कि मैम हमारी ऑनलाइन स्कूल चालू रहती है तो हम पूजा कैसे करें, ठीक है? तो देखो शिवम भैया चैट बॉक्स बंद कर दो, फिर सबके डाउट बाद में क्लियर करेंगे। आप सबको एक बात ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हो ना कि पूजा नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी मॉर्निंग में स्कूल रहती है, आफ्टरनून में अपनी ये जो मस्ती की पाठशाला की लिंक है ना, उसमें हमने आपको पूजा वगैरह भेजते हैं हम लोग, उसमें मैं आपको अपनी मस्ती की पाठशाला की लिंक में मैं आपको 3 पूजा की लिंक भेजूंगी ये वीक में। कौन सी थी? नवदेवता वाली, एक नवदेवता की, एक 10 धर्म की, एक पंचमेरु की, एक 16 स्कंद की। चारों पूजा की मैं आपको लिंक भेजूंगी। सपोज आप मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हो तो आपसे नहीं हो रहा है अटेंड करना, कोई बात नहीं, जब आप अपनी सबसे फ्री हो जाओ उसके बाद आप यूट्यूब पे चला लेना और आप अपने आप पूजा कर लेना। आपको हमने पूरा सिखाया है कैसे
कैसे पूजन की थाल सजाना, आपको कभी स्वस्तिक करना भी आ गया है, कहाँ पे क्या लिखना वो भी आ गया है, बराबर है ना बच्चों? सो आपको ध्यान देना है कि ये कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो आप नहीं कर पाए। कुछ डाउट हो तो आप हमें बेशक फोन कर सकते हो। आपका दूसरा नियम पूजा का भी पूरा हो गया, हमने आपको बोला है थर्ड नियम आपको घंटे दिन में 1 घंटे मौन लेना है। बच्चों मुश्किल नहीं है, आपको पता है आज आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी ने 50 दिन का पारणा किया। वो 50 दिन से उन्होंने ना पानी पिया है ना 50 दिन से कुछ बोला है। सोचो हम हमारे संकल्प में कितनी ताकत है, हम सोचो तो 50-50 दिन तक कर सकते हैं गुरुदेव हमारे, क्योंकि हम दिन में 1 घंटे मौन नहीं ले सकते। ले सकते हो, बस संकल्प करने की जरूरत है। और ये संकल्प जो छोटे छोटे नियम है, हर वक्त बोलती हूँ आप छोटे छोटे नियम ही आपको आगे जाके क्या बनाएंगे, भगवान बनाएंगे। सो आपको अपने आप पे विश्वास करना है कि नहीं मैम हम कर पाएंगे। सो मौन वाला नियम भी हो गया। फिर बोले दिन 5 घंटे की छुट्टी रखी है, सो आपकी मम्मी आपको कोई किसी की भी मम्मी मुझे पता है अभी तो आलू प्याज वगैरह बनाएगी नहीं, पर फिर भी हमने नियमावली में लिखा है कि आप सबको देखो यहाँ पे मैंने अपने शिवम भैया ने अपने चैट बॉक्स में जो लिंक है ना वो भेज दी है, आप वहां से कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए और फिर आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो करवा दीजिए, क्योंकि मुझे रोल नंबर चाहिए सब बच्चों के, तभी आपकी अटेंडेंस हो पाएगी। ठीक है, सो रात्रि पूजा के नियम के बाद अपनी क्या बात हो रही थी, मौन की बात हो रही थी। तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा, आप कर पाओगे, मौन ले ही पाओगे, मेरा पक्का विश्वास है। उसके बाद आलू प्याज नहीं खाने वाली बातें, वो तो कोई नहीं खाएगा। 5 हरी की छूट रखी है, 5 हरी में आप फ्रूट्स भी गिन सकते हो। फ्रूट्स के साथ आपको 5 हरी चीज खानी है, आप अपने पेरेंट्स को बता देना, वो अकॉर्डिंगली आपके लिए खाना बनाएगी, वो खुद भी वैसे ही खाना खाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको नियम दिया है, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से नियम है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको जब स्टोरी सुनाई थी, किसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, आपको मैंने स्टोरी सुनाई आटे के मुर्गे की स्टोरी सुनाई थी। वो आटे के मुर्गे में मैंने आपको बताया था उस स्टोरी में कि राजा ने जब भाव बनाए सिर्फ आटे की मुर्गी को मारने के, तो उसको कितने 6-7 बार तक तिरंजन के दुख सहन करना पड़ा। और आप लोग क्या करते हो बच्चों, सिर्फ फन के लिए पूरे दिन पबजी फ्री फायर जैसी गेम्स खेलते रहते हैं, तो उससे आपको कितना नुकसान होता है। सो आपको 10 दिन बिल्कुल भी ये गेम्स नहीं खेलने हैं। रात्रि भोजन त्याग की बात हो गई है। उसके बाद मैंने आपको नियम दिया है, ओम नमः शिवाय की माला हम रोज पहनते हैं। जो एक नियम मैंने आपको दिया है वो नियम दिया है कि आपको जैसे मैंने अष्टानिका में आपको भेजा, जैसे 10 दर्शन में मैं आपको 10 दिन के अलग अलग जो मंत्र है वो भेज दूंगी अपने ग्रुप में, आपको एक एक माला फेरनी है। उसके बाद मैंने बोला था आपको छोटी सी सामग्री 10 मिनट की भी नहीं है बच्चों, मैं अपने ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी, उसकी PDF फाइल आपको वो पढ़नी है। वो क्या है, वो सामग्री कितनी छोटी, हम भगवान से सिर्फ बोलते कि भगवान हमसे जो दिन गलती हुई उसकी हम माफी मांगते हैं, उसकी छोटी सी समय की जो आपको करनी है मैं अपने ग्रुप में वो भी आपको भेज दूंगी। उसके अलावा कोई भी नियम में आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। बच्चों आप कोशिश करोगे, आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे इतना। और देखो बच्चों ऐसा नहीं होता कि हर वक्त पेरेंट्स से हमें सिखाते, आप भी अपने बच्चों पेरेंट्स को बोल सकते हो कि देखो हमने कितने अच्छे से हमारी पाठशाला में सीखा है, हम फॉलो कर रहे, आप भी मैम हमारी फॉलो करने में सहायता कीजिए। और आपके पेरेंट्स आपको सहायता करते तभी तो आप हमारी पाठशाला में आ सकते हो, सही बात है ना बच्चों? तो चलिए इसी प्रकार से मैंने पाठशाला के सारे नियमों की आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम पाठशाला हमारे पर्यूषण के जो दूसरा दिन है उत्तम मार्दव उसकी स्टोरी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, और जब प्रश्न मंच शुरू होगा तब आप कुछ डाउट हो तो जरूर हमें पूछ लीजिएगा। और आज के दिन में अलाउ करती हूँ बिना रोल नंबर वाले बच्चों को आंसर देना। कल मुझे सभी बच्चों का देखो बच्चों रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री, आपको एक पैसा पे नहीं करना है, पर जस्ट बिकॉज हमारे रिकॉर्ड के लिए हमें आपको कुछ गिफ्ट देनी हो तो आपके नाम वगैरह हमारे पास कैसे होंगे, तो ये हम जब सेव करके रखेंगे तभी होंगे ना हमारे पास। सो जो बच्चा आज पहली बार आया है, जो बार बार आते आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और ये नियम जो है ना वो पॉल्यूशन के 10 दिन के है, मैंने आपको आजीवन के नियम नहीं दिए है, सो आप डरो मत। ठीक है, तो चलिए शिवम भैया हमारे बच्चों को अच्छी सी स्टोरी सुनाइए।
शिवम भैया हाँ एक मिनट ठीक है चलिए हमें जब तक शिवम भैया स्टोरी सुना है तब तक किसी कुछ डाउट है Let's imagine आपके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है एंड गेस व्हाट योर फ्रेंड वन दैट कंपटीशन तो आप क्या करते हो बोलो नाराज होते हो ना अपसेट हो जाते हो कई बार रोने भी लग जाते हो कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया यू वॉन्ट टू विन ऑल द टाइम एंड बी द बेस्ट बट वेन दैट डजेंट हैपन यू फील टेरिबल एंड दिस हैपन्स ड्यू टू मान कषाय और जो अपने आप को विनर बनकर सबसे बेस्ट समझने लग जाता है सुपीरियर समझने लग जाता है वो अहंकारी हो जाता है उसमें बहुत ईगो आ जाती है उसी अहंकार को खत्म करने की शिक्षा देता है मार्दव धर्म देयर वॉज अ पावरफुल किंग ऑफ एंशियंट ग्रीक किंगडम हिज नेम वॉज Alexander the Great, या उसको हिंदी में सिकंदर भी कहते थे. He was a great emperor and became king of Greece at the age of 20 years. He wanted to conquer whole world. He fought so many wars and battles and kept becoming more and more powerful by winning countries like Afghanistan, Iran, Turkestan, etc. उसके बाद he came to Bharat. इंडिया टू कॉन्कर एंड रूल ओवर इट उस समय इंडिया बहुत रिच कंट्री हुआ करता था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था सिकंदर ने यह सुन रखा था कि भारत में बहुत स्पिरिचुअल और एनलाइटेंड संत हुआ करते हैं तो वो इंडस रिवर के बैंक्स पर गया और वहां उसने साधु के दर्शन किए ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी The shant expressions and tyag of that saint. सिकंदर ने उनको रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ उसकी अपनी कंट्री ग्रीस चलें और उसके ही पैलेस में रहने लग जाएं. सिकंदर ऑफर्ड ऑल द किंगडम वेल्थ एंड प्रेशियस स्टोन्स टू हिम लेकिन साधु ने कहा मैं तो ये सब छोड़ आया हूँ आई डू नॉट नीड एनी वेल्थ एनी मनी इन माई लाइफ I have already discarded all these things and became saint. Sikandar ko ye baat sunkar bahut gussa aaya. He was very annoyed and felt insulted ki mujhe itne bade emperor ko koi mana kar raha hai. He drew his sword to kill that saint. Lekin the sadhu was still very calm. Sadhu ne muskura kar kaha, जैसे तुम तलवार से इस बॉडी को काटते हुए देखोगे वैसे ही मैं भी इसे कटते हुए देखूंगा सिकंदर को ये बात कुछ समझ नहीं आई वो कंफ्यूज होकर साधु की तरफ देखने लगा तो साधु ने समझाया कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी को ही पनिश कर सकते हो मेरी सोल को नहीं मेरी आत्मा मेरी सोल तो कभी नहीं मर सकती इट इज इमॉर्टल मेरी सोल कभी मिटने वाली नहीं है किल होने वाली नहीं है और जो मर नहीं सकता उसे कोई कैसे मार सकता है ये सुनकर सिकंदर कांप उठा उसकी तलवार नीचे गिर गई एंड ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज एरोगेंस फिर सिकंदर यूनान मतलब अपनी कंट्री ग्रीस वापस चला गया उसने बहुत पैसा बहुत दौलत सब कुछ अर्न किया और बहुत कंट्रीज के किंग्स को बैटल में हरा कर सुपर पावरफुल रूलर बन गया था वो सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कमांडर था जिसे कोई हरा नहीं सकता था आपको पता है During his last days, वो सिकंदर बहुत बीमार हो गया था He wanted to meet his mother before dying. और उसने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि वो उसे उनकी माँ के आने तक बचा लें और उसने बोला कि आप मुझसे कुछ भी ले लो लेकिन मुझे कुछ दिनों की लाइफ और दे दो सो दैट आई कैन मीट माई मदर
लेकिन डॉक्टर्स ने बोला हम आपको नहीं बचा सकते, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन सिकंदर को लगा कि मेरी सारी वेल्थ, मेरी सारी मनी जो मैंने पूरी लाइफ में अर्न करी और जो इतना पावरफुल बना, वो मनी मुझे कुछ दिनों की लाइफ भी दे नहीं सकती। सिकंदर लर्नड अ बिग लेसन। ही टोल्ड एवरीवन इन हिज किंगडम कि जब मैं मर जाऊंगा और जब तुम मेरी डेड बॉडी को ले जा रहे होगे ना, तो पूरी दुनिया को मेरे दोनों खाली हाथ दिखने चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि मैं वो सिकंदर हूँ जिसने सोचा कि पूरी दुनिया को जीत लूंगा और वो पूरी दुनिया को रूल करके एक्सटेंसिव वेल्थ कलेक्ट करके अंत में मरने के बाद खाली हाथ जा रहा है, अपने साथ अपनी वेल्थ का एक दाना भी नहीं ले जा सकता। बच्चों, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट टीचेस अस कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का मान नहीं करना चाहिए, हमें उत्तम मार्दव धर्म को ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं और कुछ भी नहीं जाता। जय जिनेंद्र। तो बच्चों, आपको कैसी लगी स्टोरी? कितनी सुंदर स्टोरी थी। वो स्टोरी में आपने देखा क्या बताया गया था सिकंदर के बारे में? हम क्या कहते हैं, आपको पता है, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिकंदर को बड़े आदर सहित उसको याद किया जाता है कि उसने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया था। आपको एक बात बताऊं बच्चों, जो हमारे आदिनाथ भगवान है, उनके पुत्र भरत भगवान, जिसके ऊपर हमारे पूरे कंट्री का नाम भारत पड़ा है, वो चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब शुभम चक्रवर्ती की बात सुनी, 6 खंड के अधिपति, उनके अंडर 32,000 राजा होते हैं, उनकी कितनी रानी, और उनका वैभव तो इतना होता है कि जिसके हम वर्णन तक नहीं कर सकते। फिर भी भरत चक्रवर्ती ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताई, घर में रहते हुए भी धर्म ध्यान किया और बिल्कुल भी अपने चक्रपति होने पर घमंड नहीं किया। और बच्चों, उस वजह से जब भी भरत भगवान ने दीक्षा ली ना, तो उनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। सो वो भी तो कर सकते थे, मान अभिमान के में 6 घंट का अधिपति, वो भी उन्होंने भी तो एक बार अभिमान कब किया था, उन्होंने अपने भाई के साथ झगड़ा किया था, आपको याद ना वो वाली स्टोरी, फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध हुआ था, जल युद्ध हुआ था, दृष्टि युद्ध हुआ था, और उसमें वो हार गए थे, तीनों युद्ध में हार गए थे बाहुबली से। उनको गुस्सा भी आया था, उन्होंने अपना चक्र भी चलाया था बाहुबली भगवान के ऊपर, चक्र वापस आ गया और उनको समझ में आ गया कि मैं भले ही कितना बड़ा हूँ पर फिर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान ने बनाए हुए उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हमें भी याद रखना है, हमें बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना है। कल देखो कोई बच्चों को बहुत अच्छा आया, मैंने बहुत तारीफ की, उन्हें भी अभिमान नहीं करना है कि हाँ मैं आ गया, हो सकता है मैंने पूछा वो क्वेश्चन आया, दूसरे क्वेश्चन में उनको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। कोई बच्चों के आंख में पानी भी आ गया होगा कि मैं क्यों नहीं आंसर दे पाया। ऐसी कोई भी डिफिकल्ट परिस्थितियों को हमें नहीं देखना है और हमें याद रखना है कि हमें क्षमता भाव धारण करनी। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत मत करो, सोचो अरे जीतने दो, नहीं बिल्कुल नहीं, तो पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चों, आज आपने लगातार, आज हमारी पाठशाला, पहले ये पाठशाला हमारी दोपहर में चलती थी, कोई कोई बच्चे जो दोपहर से ज्वाइन हुए थे, 2 महीने दोपहर में चली, ये शाम को भी पाठशाला को 2 महीने हो गए अपने, शाम को 2 महीने से पाठशाला चलती है। अब आप जब पुरुषार्थ करते, आप सोचो आप में से कितने बच्चे थे जिनको इतने 11 11 अर्घ आते थे, अब आपको कोई बच्चे को 3 आ रहे, 4 आ रहे, किसी को 2 आते, अरे उतना तो आपने सीखा ना। अभी आपका पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि हमारी मैम हमारे लिए मेहनत कर रही है, तो हमें पर्यूषण शुरू होने से पहले ये सारे अर्घ रेडी कर देते हैं। कल मुझे एक बार वापस से आपकी कॉन्टेस्ट तो लेनी है, पर अभी ऐसे नहीं लूंगी मैं कि किसी को आए किसी को नहीं। आज मंडे है, मैं वेनेसडे पूछूंगी आप सबको, वेनेसडे तक आपको टाइम देती हूँ। जिनको भी अर्घ नहीं आते, जिनको पीडीएफ फाइल नहीं पड़ी है, हमारे मेघांकल ने भी कितना अच्छा सिखाया है हमें, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है और फिर ही हम आपको पूछेंगे, ठीक है? चलिए तो आज शुरू करते हैं आज के प्रश्न में। उसके पहले कोई भी बच्चों को कुछ क्वेश्चन है पहले आप मुझे पूछ लो,
फिर मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ। चलिए किसको? हाँ पूछो आदित्य। प्रश्न ये है कि जो वो आपने 11 नियम दिए थे वो साइट पे, उसमें एक नियम ऐसा था कि 10 लक्षण के कौन से भी एक दिन आपको एकासना या उपास करना है। हाँ। तो वो नियम का मतलब पालन करना ही पड़ेगा क्या? देखो बच्चा, आप लोग है ना सुपर, मेरे सब बच्चे कैसे हैं, सब लोग सुपर स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, बराबर है। अब देखो आपकी 8 साल की उम्र है, ठीक है। अब आप एक बताओ आदित्य, आप पाठशाला में बैठते हो तो भोजन करके बैठते हो कि पाठशाला के बाद भोजन करते हो? मैं पाठशाला के पहले ही भोजन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब आप करीबन 7:30 बजे तक भोजन कर लेते होगे। हाँ। अब देखो फिर उसके बाद पाठशाला के बाद तो किसी को कुछ खाना नहीं है, तो आप 11:30 तक रह सकते हो कि? बराबर। अब देखो जो 4 घंटे आप रह सकते हो, तो ऐसे सुबह आप उठो, उठ के पूजा करो, अभिषेक करो, देखो घर पे बैठ के करना है, एकाशन करो आपको, तो आपको ये पूजा में से सब में से इतनी एनर्जी मिलती है बच्चों कि आप बिलीव नहीं करोगे। और फिर उसके बाद सपोज आपने खाना खाया दोपहर में 1 बजे, अच्छे से खाना खाया, पानी पिया, तो आप पूरे दिन अच्छे से रह पाओगे। करने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक संकल्प। क्या पहले आप आदित्य के पास 1 मिनट लेके चलो, शिवम भैया। आदित्य बेटा, पहले तुम ऐसा था इतने जल्दी खा लेते थे, मतलब आपको पहले से चौबियार करते हो ना? चौबियार मतलब मुझे नहीं मालूम। 7 दिन के पहले तो रात को नहीं खाते हो ना? हाँ। ना तो तुम बचपन से जो ये कर सकती हो, दिन में एक परिश्रम एक दिन एकाशन कर सकते हो कि नहीं? हाँ। बस तो फिर संकल्प की जरूरत है, आप डिसाइड करो आप कर पाओगे। परिश्रम का हमारा पहला दिन होगा ना, तब आप कोशिश करना, देख इतनी एनर्जी मिलेगी। और हमें पूरे दिन क्या करना है, उठ के पूजा करो, फिर भोजन करो, भोजन करने के बाद माला फेरो, प्रतिक्रमण करो आपका पूरा दिन। और हमारे जैनम चैनल में बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, वो कार्यक्रम को अटेंड करो आप सब लोग, आपका दिन ऐसे बीत जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी अब तो मैं रविवार व्रत करने के लिए भी रेडी हो गया हूँ। समझ में है, जरूरत है सिर्फ एक संकल्प लेने की। कोई भी बच्चे हमें बोल रहे हैं कि मैम हमारा पेटीएम नंबर नहीं है, गूगल, ठीक है वो हम बाद में देख लेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत करो, आप फॉर्म भर के ले लो। इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करो नियमावली के बारे में या कुछ भी। बोलो मैम। बोलो मैं अक्षरा हूँ। हाँ बोलो बोलो मैम। वो कल जो कॉन्टेस्ट हुई थी उसमें आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था 10 लक्षण कर का, मैंने थोड़ा बोला थोड़ा नहीं बोला था, आपने बोला मैं बाद में, मतलब 2-4 दिनों का आपने बाद में भी पूछा लेकिन मुझे बाद में नहीं पूछा। ठीक है कोई बात, वो है ना गलती से रह गया बेटा, आपको पूछता कोई बात नहीं। जो कॉन्टेस्ट थी ना वो हमने ट्रायल बेसिस पे ली थी आप सबको ट्रेन करने के लिए, हम दोबारा लेंगे ये कॉन्टेस्ट, ठीक है। पर अभी कल तो मैंने दोबारा चांस लिया, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि आपको दोबारा चांस देना पड़े, इसलिए आप बी गेट रेडी। वापस शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ 3-4 दिन में कब ये कॉन्टेस्ट लेने वाली हूँ। और किसी को कुछ पूछना है, हम प्रश्न मन शुरू करें। वृषा को कुछ पूछना था बॉम्बे से, वृषा। हाँ वृषा बोलो। मिस हमको वापस रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? अभी वापस किसी को नहीं करना है, जिनके पास रोल नंबर नहीं है उनको ही रजिस्ट्रेशन करना है, जिनके पास रोल नंबर है उनको रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। ये एक बार हो गए हो गया अब, पर आप जब भी देखो वृषा आपने रोल नंबर नहीं लिखा है, आप जब भी रीनेम करो ना अपने नाम के पास अपना रोल नंबर और अपनी एज लिखना भूलना मत, ठीक है वृषा? ओके ठीक है चलो, अभी किसको क्या पूछना है मैं शुरू करूं? चलो अभी किसी को भी डाउट नहीं है ना। ये कौन है, निष्ठा को पूछना है, ये क्या सबके हैंड रेज हो गए?
आप सब लोग आंसर हाँ मिस्टर हम गलती से हो गया था सॉरी ओके कोई बात नहीं चलिए आज मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने जो कहानी सुनी वो राजा के दो नाम थे आपको वो दो नाम बताने हैं जय जिनेन्द्र वो राजा के दो नाम थे सिकंदर और अलेक्जेंडर द ग्रेट ओके आप कितने साल के हो बेटा मैम मैं 11 साल की हूँ क्योंकि मेरा मम्मी का फोन इसके लिए मेरा वो स्कूल का नाम रहता है ठीक है चलो अभी अपना रोल नंबर लिख लेना तुम आज रजिस्ट्रेशन कर लेना ठीक है मैम मेरा पेटीएम नंबर के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है शिवम भैया हाँ बोलो ये बच्चे बोल रहे हैं कि पेटीएम नंबर नहीं डाले तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है जी हम वो क्यूरी क्लियर करके बताएंगे ठीक है ओके चलिए अभी आपको हमें बताना है कि मैंने आपको एक और स्टोरी बताई अलेक्जेंडर की स्टोरी के बाद वो स्टोरी और ये स्टोरी को कंपेयर करके आपको हमें मॉरल बताना है जय जिनेन्द्र अलेक्जेंडर द ग्रेट को वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया में राज करे पर उसको वो बीमार हो गया था इसलिए वो राज नहीं कर पाया और आपने एक भरत चक्रवर्ती की कहानी बताई थी जिसमें वो चक्रवर्ती की मान नहीं रख रहा था वो तीनों युद्ध में हार गया था क्या तीनों युद्धों में आपकी आवाज कट रही है बेटा मैम स्टार्टिंग से बोलू नहीं सिर्फ भरत का बोलो मैम भरत चक्रवर्ती उसको अभिमान्य था कि मैं चक्रवर्ती हूँ और वो तीनों युद्धों में हार गया था ठीक है चलो और वीर तुम बताओ वीरज क्या मैम तुम क्यों आंसर नहीं देते हो वीरज क्यों डरते हो अपनी ही पाठशाला है मैम मेरे को बस अलगाते थोड़े डरते कोई बात नहीं अब से सुनो समन पहले वीरज आंसर दे फिर समन आंसर देगा अब से और बिल्कुल डरना नहीं है कोई भी बच्चों को आपका आंसर गलत हो तो भी किसी को डरना नहीं है हैंड रेस करो और आंसर दो ओके चलो समन ने बोला फिर भी मुझे और चाहिए इसका कंपैरिजन कोई और बता पाएगा कौन बोलेगा रिद्धिमा अनम्यूट करो जय जिनेन्द्र मैम आपने जो अलेक्जेंडर की जो वो स्टोरी थी उसमें वो बहुत घमंडी था है ना उसको पूरे लाइक वो उत्तम यानी उसको पूरे जो पूरा जो वर्ल्ड उस पे राज करना था और भरत चक्रवर्ती तभी भी भरत चक्रवर्ती 2300 महाराजों के ऊपर का था यानी वो चक्रवर्ती था लेकिन तब वो तीनों युद्धों में बावली भगवान से हार गया था तो फिर उसने उन पे चक्र चला दिया था लेकिन फिर उसके बाद उनको उनको प्रायश्चित हुआ कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर इसके लिए फिर वो मुनि महाराज बन गए थे कि ऐसा अब इसमें हमें मॉरल क्या होता है कि वो पूरा राज कर रहे थे लेकिन वो तभी भी चक्रवर्ती होने के बाद वो एक मुनि राज बने और फिर उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ फिर वो मोक्ष चले गए ओके रिद्धिमा आज हमें आपको टीवी में देखा था सुबह सुबह रिद्धिमा ने अपने घर में फ्लावर्स लगाए ना रिद्धिमा आपने हाँ आज सुबह हमने आपको देखा था टीवी में हमारी जो पहला आप पहले भी थे ना दोपहर की पाठशाला में आप आते थे ना ज्ञानमती माता जी पढ़ाते थे तब
मैम मेरे को तो पता भी नहीं। हाँ आपसे आती हूँ। आप आते थे ना दोपहर में जब नानमती माता जी पढ़ाते थे तब? हाँ मैं तो आपकी स्टार्टिंग से आई हूँ पूरा। हाँ स्टार्टिंग से तो अपनी माता जी ने सबको बताया था आप पेड़ पौधा लगाओ तो रिद्धिमा ने भी फोटो भेजे थे, मैंने आज देखा था। बच्चों आप लोग को भी अपने घर पे अच्छे से प्लांट्स लगाने चाहिए, उनको पानी देके बड़ा करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या पर्यावरण ऐसे कुछ डिमांड है वैसी। ठीक है चलिए उसके बारे में फिर कभी आगे बात करेंगे। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको पता है क्वेश्चन आप सबसे ये है कि जब सिकंदर मर गया तो उसकी क्या इच्छा थी और उसने अपने सेनापति को क्या बताया था कि वो जब मर जाए तो उसको कैसे डालना है? उसकी ये इच्छा थी कि जब वो मर जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर से निकले हुए रहे कि ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने बुरे कर्म किए हैं। नहीं हाथ निकलने का मतलब ऐसा नहीं ये बुरे कर्म किए हैं, कि मेरे सारे सोने चांदी चले जाए। क्या सोने चांदी? चलिए किसी और से पूछते हैं। आज चहक थोड़ी बहक गई है, चहक ने स्टोरी ध्यान से नहीं सुनी आज। अच्छा कौन बताएगा, प्रखर बताएगा कि रिद्धि बताएगी? हेलो। हाँ बोलो मैम। वो जब मरा था तो उसने सेनापति को कहा था कि मेरे हाथ खुले मतलब ढाक के मत रखना, खुले रखना। अरे उसने बोला था कि मेरे खाली हाथ दिखने चाहिए सबको ताकि उनको पता चले कि मैंने जितना भी कमाया जितने भी युद्ध लड़े वो सब मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। मतलब मेरे साथ मैं जब बहुत अच्छा इसमें से प्रकृति किसका नाम है? मेरा नाम। तुम्हारा प्रखर, तुम्हारा और आपका ध्वनि। ध्वनि ओके ठीक है। बराबर से बताया प्रखर ने कि उसने क्या बोला कि मैं खाली हाथ सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी भर कितने भी सारे स्टोन्स कितनी भी सारी ज्वेलरी सब मैंने इकट्ठी की पर जब मेरी मृत्यु हुई तो वो सारी की सारी मुझे यही छोड़ के जानी पड़ी। सो इसीलिए हमें क्या बोध मिलता है इससे कि हमें ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ज्यादा लोभ करने से क्या होगा, चीजें तो इकट्ठी हो जाएगी पर उसको यूज कौन करेगा, कोई यूज कर पाएगा नहीं। सो हमें देखो मानव में एक बेस्ट एग्जाम्पल है रावण का। रावण ने बहुत अभिमान था उसको, कोई मुझे हरा नहीं पाएगा, मेरी सोने की लंका में कोई एंटर नहीं हो पाएगा। पर रावण को क्या हुआ आपको सबको पता है कि रावण की मौत हुई। कैसी मौत हुई? बहुत गंदी मौत, युद्ध में मारा गया रावण। सो दूसरा कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन को भी बहुत अभिमान था, उसको अभिमान था कि भाई मैं बहुत अच्छा योद्धा हूँ, ये मुझे ही मिलनी चाहिए हस्तिनापुर। और पांडव को उसने कितनी बार मारने की कोशिश की पर फिर जिसका जितना पुण्य होता है तो कोई उसको मार नहीं सकता, पर ये अभिमान किया। अदरवाइज दुर्योधन अच्छा था पर उसके अभिमान की वजह से उसने अपनी जान गंवाई। सो हमें कभी भी किसी भी चीज का स्कूल में जा रहे हो ना बच्चों, आपको मैथ्स के समारे आपके फ्रेंड को नहीं आ रहा है तो आपको अभिमान नहीं करते कि मुझे आ रहा है, उसकी हेल्प करो, उसको पढ़ने में हेल्प करो, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई का। ठीक है चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी को भी 10 धर्म के नाम पता है? उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम ब्रह्मचर्य। एक्सीलेंट रोशनी, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
बहुत अच्छे से बोला। हम लोग आपको रोज एक एक धर्म की स्टोरी बताएंगे जिससे आपको पता चले। हम बोलते तो उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव क्या मतलब है वो उसका समझ में आए तो और अच्छे से हम वो धर्म का पालन कर सकते। इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी और उसका मतलब बताती हूँ। ये सिर्फ अपने को 10 धर्म 10 दिन में पालन नहीं करना है, अपनी रोज की जिंदगी में उसका पालन करते हैं। वो कहते हैं ना सरल स्वभावी हो, जो स्वभाव का सरल रहता है उसको जिंदगी में तकलीफ नहीं होती है। बोलते हैं ना कि जो भोले रहते हैं उसके भगवान रहते हैं। हमें मूर्ख नहीं बनना है पर फिर भी हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? कोऑपरेटिव, सबको हेल्पफुल होने वाला ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? चलिए अभी हम आगे चलते हैं और अभी मुझे आपसे चाहिए क्वेश्चन के आंसर। और मैं आपको पूछूंगी, आप हैंड रेज नहीं करोगे, पहले मैं सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं उनको बोलूंगी कि आपको ये आंसर बोलना है। ठीक है ना? आपको भी मजा आ जाएगी कि चलिए किसका नंबर लगता है किसका नंबर लगता है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कैनिल को जो है भरूच से। कैनिल अपना वीडियो ऑन करो, आपने रजिस्ट्रेशन करना बाकी रखा है कैनिल अभी? हाँ मैम, पेटीएम नंबर की वजह से। कोई बात नहीं, आप अभी हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट कर देते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा देना, आपका रोल नंबर आ जाएगा। कल आपने कंपटीशन में इसीलिए पार्ट नहीं ले पाए होगे ना, रोल नंबर नहीं था इसलिए। ठीक है, आज थोड़ा हम लोग करवाते हैं एडजस्टमेंट, आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। ठीक है? ठीक है मैम। अगर हमने पेटीएम ऑप्शन कंपलसरी रखा है, अगर वो कंपलसरी नहीं होना चाहिए तो हम उसमें से निकल भी सकते हैं। हम बात करते हैं शिवम भैया ये पाठशाला के बाद आपसे। ठीक है। हमने कैनिल, हमने 11 अर्घ याद रखने को बोला था कैनिल। हाँ आपको आवाज नहीं आ रही है क्लियर, बीच बीच में कट हो जा रही है। अच्छा, हमने आपको 11 अर्घ याद रखने के लिए बोला था। ठीक है, अब आपको उसमें से मुझे पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ सुनाना है। मैम अभी तक मैंने अर्घ याद नहीं किया है, मुझे याद नहीं है। तो आप कब तक याद करके दोगे मुझे? मैम कल पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ बोल दूंगा। कल पक्का? ठीक है, चलिए कैनिल ने हमें प्रॉमिस किया है वो 11 अर्घ कल तक याद करके देगा। अभी हम नेक्स्ट पूछते हैं, किससे पूछते हैं हम? चिराग साहू जी। चिराग साहू जी, हाँ आप लोग पहली बार ज्वाइन हुए हो पाठशाला में? नहीं मैम, हम बीच में होते रहते हैं। अच्छा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करके आपको रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आज रजिस्ट्रेशन करवा देना और हमें आप बताइए आपको अर्घ बोलना आते हैं भगवान के? मेरा नाम पार्थ है। हाँ मैम। सबसे पहले प्रॉमिस करो आप रेगुलर पाठशाला में आओगे अब से। हाँ मैम प्रॉमिस। ओके ठीक है, चलिए तो पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ कौन बोलेगा? पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करू सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी जी ने स्वाहा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला आप दोनों ने। रजिस्ट्रेशन करवा देना, आपको रोल नंबर मिल जाएंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट पूछते हैं, किसको पूछेंगे? जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट हम पूछते हैं, किसको पूछेंगे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है और जो हमारी पाठशाला में रेगुलर आते हैं, ऐसे ही किसी को हम पूछेंगे। तो नेक्स्ट हम पूछते हैं, प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए तो ही हम आपको पूछ पाएंगे, अदरवाइज हम आपको कैसे पूछेंगे। आप अपना वीडियो ऑन करके रखिए। हमें नेक्स्ट पूछना है चिरायु, अपना वीडियो ऑन कीजिए।
चिरायु अपना वीडियो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, चिराग साहू जी से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो स्वरा का स्वरा, एक मिनट, स्वरा उसका भी वीडियो म्यूट है। अच्छा देखो, आप सब लोग बैठ तो पाठशाला में बहुत अच्छा लगता है, प्लीज आप वीडियो ऑन करके बैठिए। अच्छा आप क्या, कोई बच्चा नहीं है ना? ये ना, ये पटकर, ये संग मैम, मैम प्लीज रजिस्ट्रेशन लिंक फिर से शेयर कीजिए ना चैट में। ठीक है, अभी हम चैट में शेयर कर रहे हैं, अभी वापस से शेयर कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी हाँ, स्वरा पहली बार आए हो आज? स्वरा नेक्स्ट चलते हैं हम लोहाड़े के पास। नाम क्या बताया मैडम आपने? अनुज लोहाड़े। उसका भी वीडियो म्यूट है, कोई बात नहीं। वो दो दो जगह पे है अनुज लोहाड़े, दोनों जगह पे वीडियो म्यूट है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज की हमारी मस्ती की पाठशाला यहाँ खत्म करते हैं। आप सबको जो जो भी अर्घ, जो भी पूजा की पीडीएफ है, उसको बार 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 याद करना है। आपको 11 अर्घ हमने याद करने को दिए है, उसको आप याद कीजिए। हम रोज पढ़ेंगे ताकि पर्यूषण के पहले हमको सारे अर्घ याद रह जाए। ठीक है, तो चलिए आप सबका नियम रहेगा कल के लिए। सबसे पहला नियम, ओम रीम नमक की माला फेरना, फिर ही कुछ खाना। पाठशाला के पहले आपको भोजन करके ही बैठना है। और आप सबको कल की क्या करना है, कल आप सबका नियम है, हम प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। आप कल 1 घंटे का मौन रखेंगे, ये प्रैक्टिस है अपने पर्यूषण के पहले की। ठीक है ना? तो चलिए हाथ जोड़िए। और आज मैं आदित्य से बोलती हूँ, आदित्य नहीं, आदित्य एक बार आ गया ना? हाँ जी, आदित्य आ गया। अनुश्री को बोलते हैं, अनुश्री जिन्वानी स्तुति बोलो। जवानी के ज्ञान से जलो का लो सुहानी मस्तक नमो सदा दे तू हो। हे जिन्वानी बाती तू ही जपू दिन रेन, जो तेरी शरणागति सो पावे सचैन। दादा सांग जिन्वानी माता की जय, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब से हमारी पाठशाला जैनम 2 पे ही रहेगी। आपको करना हो तो अपने 2 की लिंक शेयर कर देना सबके साथ, बच्चे लोग आप लोग। यस मैम। ठीक है, चलिए यहाँ खत्म होती है। सबको जय जिनेन्द्र, नमोरी, जय जिनेन्द्र, नमोरी हंतानम, नमो सत्तानम, आर्यानम, नमो जयनम, नमो लोए सव सावनम।